हेलो दोस्तों, गोल टेक्निक एक्सचेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूआईडीआई ने ई आधार कार्ड को डाउनलोड करने में एक बड़े नियम में बदलाव कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूआईडीआई हर रोज नए नए बदलाव कर रही है। इसी बीच यूआईडीआई ने ई आधार कार्ड को डाउनलोड करने में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि यूआईडीआई ने अपने नियम में क्या बदलाव किया है। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूंगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ई आधार की साइट पर, जहाँ से हम अपना ई आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम जहाँ पर अपनी एनरोलमेंट नंबर डालकर, जहाँ पर डेट और टाइम डालकर, जहाँ पर नेम, पिन कोड और जहाँ पर कैप्चा डालकर, फिर हमें एक मोबाइल नंबर की ऑप्शन थी जहाँ पर पहले मोबाइल नंबर फिल करके हम ई आधार कार्ड डाउनलोड कर लेते थे। पर अभी यूआईडीआई ने क्या बदलाव कर दिया है कि अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है तभी आप ये ई आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप ई आधार कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो यही नियम बहुत ही बेकार नियम है, जो कि बहुत ही लोगों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इस नियम की वजह से, क्योंकि लगभग बहुत ही थोड़े आधार कार्डों में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और गांव के आधार कार्डों में तो बिल्कुल ही मोबाइल नंबर तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, जिसकी वजह से वो आधार कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते। और अगर कोई अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर करवाना चाहता फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि यूआईडीआई ने सभी आधार ऑपरेटरों को डीएक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से आधार कार्ड में सुधार करवाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अभी तो ये यूआईडीआई की तो सीधी सीधी लोगों को, जनता को परेशान करने वाली बात ही हो गई है। अगर ये यूआईडीआई ऐसे ही करती है तो ये आधार कार्ड की जो सर्विस है बहुत ही बेकार सर्विस कहलाने वाली है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बीएलडी भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।